हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू फिट इंडिया। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका यू फिट इंडिया में। मेरा नाम है पुनीत गर्ग और हमेशा जैसे लेकर आता हूँ आपके लिए नए नए इक्विपमेंट्स, नई नई जानकारी, नए नए फिटनेस इक्विपमेंट्स का रिव्यूज़ आपके लिए करता हूँ। ऐसे ही आज एक और नए टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि आप अपनी ट्रेडमिल में अगर टाइम सेट करना चाहते हो तो किस तरीके से आप उसे सेट कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो और उसके थ्रू एक्सरसाइज कर सकते हो। जितना भी टाइम आप सेट करोगे उतनी देर बाद वो ट्रेडमिल अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे ही आज एक और नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि टाइम के अलावा हम क्या क्या सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, टाइम का हमने कल आपको बता दिया था, आज हम बताएंगे आपको कि आप अपनी ट्रेडमिल में डिस्टेंस कैसे सेट कर सकते हो और उसे टारगेट कर सकते हो। सपोज आपका मन है कि आप ट्रेडमिल को 2 किलोमीटर चलाना चाहते हो, तो 2 किलोमीटर चलाने के बाद वो अपने आप बंद हो जाए। अब ये आप किस तरीके से कर सकते हो अपनी ट्रेडमिल में, वो आज हम आपको डेमो करके बताने वाले हैं। तो ऐसे ही नई नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारा नंबर, व्हाट्सएप नंबर नोट नहीं किया है तो ज़रूर नोट कर लीजिए, जो कि आपकी स्क्रीन पर चल रहा है यूफिट इंडिया के नाम से, ताकि आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है या आप किसी इक्विपमेंट के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या फिर कोई भी इशू आप फेस कर रहे हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप अपनी ट्रेडमिल में टाइम के बाद डिस्टेंस कैसे सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर एक ट्रेडमिल ऑन है। अब इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका मॉनिटर दिखा देता हूँ। इस टाइप का इसका मॉनिटर है और यहाँ पे काफ़ी सारे बटन्स आपको दिए हुए हैं। जैसा कि आप जानते हो, ये स्टार्ट का बटन है, स्टॉप का बटन है, यहाँ पे स्पीड प्लस माइनस का बटन है, यहाँ पे इंक्लाइन का प्लस माइनस बटन है, यहाँ पे बहुत सारे बटन्स आपको इंक्लाइन के लिए दिए हुए हैं डायरेक्ट, और यहाँ पर डायरेक्ट स्पीड के लिए। तो दोस्तों, एक तो नॉर्मल तरीका होता है कि आपने ट्रेडमिल को स्टार्ट किया और उसके बाद ट्रेडमिल स्टार्ट हो गया, और स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर टाइम चालू हो गया और डिस्टेंस आप कितना कवर करोगे इतना वो आपको दिखाता जाएगा। लेकिन एक और तरीका है ट्रेडमिल को चलाने का, कि आप टाइम या डिस्टेंस को टारगेट कर सकते हो। टाइम के बारे में हम ऑलरेडी आपके साथ एक वीडियो शेयर कर चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं आज डिस्टेंस के बारे में। तो दोस्तों, आप देखोगे यहाँ पर हर ट्रेडमिल में, मोस्टली ट्रेडमिल में ये बटन आपको ज़रूर दिखाई देगा, इस पर लिखा हुआ है मोड। ये मोड बटन है और ये प्रोग्राम बटन है। प्रोग्राम के बारे में हम फिर कभी आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे, आज हम मोड की बात कर रहे हैं। तो जब आप मोड प्रेस करोगे, हमने यहाँ पे ये मोड प्रेस किया, तो आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे टाइम पे ब्लिंक होने लग गया है। ये ब्लिंक होने लग गया, यहाँ से आप टाइम को सेट कर सकते हो। जितनी भी देर आप टाइम चलाना चाहते हो उतनी देर के लिए टाइम सेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप टाइम सेट ना करके डिस्टेंस सेट करना चाहते हो तो वो किस तरीके से कर सकते हो, सेम बटन मोड वाला आप एक बार ये और प्रेस करते हो। अब आप देखोगे स्क्रीन पर जो डिस्टेंस वाला पार्ट है वो ब्लिंक करने लग गया, यहाँ पे 1 किलोमीटर शो हो रहा है। तो ये 1 किलोमीटर को आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, आप जितना भी चाहें इसको बढ़ा के उतना टारगेट कर सकते हो। ये देख रहे हो आप बढ़ता जा रहा है। अभी हम एग्जाम्पल के लिए 1 किलोमीटर से स्टार्ट कर लेते हैं, ताकि हम उसमें दिखा पाएँ कि आपको 1 मिनट बाद जब ये बंद हो जाएगा तो कैसे अपने आप ये रुक जाएगा। या हमने 500 मीटर यहाँ पे सेट कर दिया है, हम 500 मीटर चलाएंगे ट्रेडमिल को और उसके बाद देखेंगे ये कैसे अपने आप बंद हो जाएगा। तो इसके बाद सेट करने के बाद आपने कुछ नहीं करना है, सिंपली स्टार्ट का बटन दबा देना है। अब आप देखोगे यहाँ पे ट्रेडमिल स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे 0.50 से स्टार्ट हो गया है, जबकि हमने जब नॉर्मल चलाई थी तो वहाँ पर 0 से स्टार्ट हुआ था। अभी ये कैलोरीज पर आ गया है तो इसलिए कैलोरीज दिखा रहा है, अब ये डिस्टेंस दिखा रहा है आपको। जैसे जैसे डिस्टेंस माइनस होना शुरू हो जाएगा तो ये ट्रेडमिल अपने आप बंद हो जाएगी। अब हम थोड़ी सी, आप देख सकते हो ट्रेडमिल स्टार्ट हो गई है, अब हम इसकी स्पीड बढ़ा देते हैं ताकि ये डिस्टेंस जल्दी जल्दी कम होने लगे। हमने 6 की स्पीड प्रेस कर दी है, अब ये 6 पर चल रही है, आप देख सकते हो स्पीड बढ़ना शुरू हो चुकी है ट्रेडमिल की और ये 6 पर आ गई है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर डिस्टेंस जो है कम होना शुरू हो गया है। डिस्टेंस है ये 0.48 पर आ गया है, ये कैलोरीज आ गया है। इस मशीन में दोनों चीज़ें एक ही विंडो पर दिखाई देती हैं तो इसलिए आपको अलग अलग नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर आप देखोगे ये आपका डिस्टेंस जो है माइनस शुरू हो गया, हम थोड़ी सी और स्पीड बढ़ा देते हैं ताकि जल्दी जल्दी डिस्टेंस कम होता जाए। अभी हमने 15 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड कर दी है इसमें,
अब आप देखोगे डिस्टेंस काफ़ी तेज़ी से जल्दी जल्दी कम होना शुरू हो जाएगा। स्पीड को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं जिससे कि डिस्टेंस जल्दी जल्दी कम हो जाए। अब आप देखोगे डिस्टेंस 0.3433 पर आ गया है। ट्रेडमिल काफ़ी तेज़ी से चल रही है, हमने फुल स्पीड 18 किलोमीटर कर दी है। अब आप देखोगे कैलोरीज का मीटर भी भाग रहा है और डिस्टेंस भी काफ़ी जल्दी कम हो रहा है, 0.2423 रह गया है, 0.20.19। तो दोस्तों अब आप देख सकते हो डिस्टेंस खाली रह गया 0.09 0.08। अब कैलोरीज के बाद दोबारा आपको डिस्टेंस शो करेगा 0.05 0.04। अब आप देखोगे ये थोड़ी देर में अपने आप ऑटोमेटिक बंद होने वाला है, ये 0.00 हुआ और ये मशीन ऑटोमेटिक बंद हो गया, हमने इसमें कोई बटन नहीं प्रेस किया है और ऑटोमेटिक मशीन अपने आप बंद हो गया है। तो आप देख सकते हो 2.30 टाइम लगा हमें इसको कवर करने में और हमारा डिस्टेंस जीरो हो गया है। तो इस तरीके से आप डिस्टेंस को टारगेट कर सकते हो। अब आप देख सकते हो एंड लिखा हुआ आ गया है, टाइम हमने 2.30 में 500 मीटर्स कवर कर लिया है और उसके बाद ये ट्रेडमिल ऑटोमेटिक बंद हो गया है। देखा आपने, हमने आज आपको बताया डिस्टेंस को आप कैसे टारगेट कर सकते हो या सेट कर सकते हो। आप जितना भी किलोमीटर सेट करोगे अपनी ट्रेडमिल में उतनी देर बाद आपकी ट्रेडमिल ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। तो दोस्तों आज आप बताइए, कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको हेल्प मिली या नहीं मिली और आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दिया कि तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दिया करो, हमें उससे हमें काफ़ी अच्छा लगता है जब आप हमारे वीडियोस को लाइक कर देते हो, हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। जबकि आपका कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ एक बटन प्रेस करना होगा, बट हमारा मोटिवेशन बहुत हाई हो जाता है जब आप हमारी वीडियो को लाइक कर देते हो। तो इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर आप ऐसे ही वीडियोज़ रेगुलर हमारे साथ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक में जिसमें हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।